इसी कड़े को अगर आते हैं हम जाएंगे हमारे सुरेश बैठा है मान जाए और इस अग्रिम स्टेशन पर पास जा रखे आदरणीय ये सभा के अध्यक्ष सुनील बाबू और हमारे इस गोष्ठी में इस छोटी सी बैठक में ग्रीन स्टेशन रिवोल्यूशन के पीते कहते जो भी आया हमारे सभी सहयोगी दोस्तों को मैं सबसे पहले जय अर्जा करता हूँ। इतना बड़ा क्या कर दिया जो ये प्रोग्राम लिया गया है। दूसरा ये सब जो इस दिन पर इसको पर्यावरण के पास कहा जाए क्या पर्यावरण के लिए इसको विस्तार से जो भविष्य दिया गया है ये स्टार्टिंग हमारे खुद प्रवक्ता लोग बहुत खुश बोले कि यूनिवर्सिटी ग्रांट मिशन में हाई स्कूल में खोले विश्वविद्यालय में सभी में ऐसे इसका है जो एक सफेद किया जाए वो तो बहुत दूर की बात है। जितने आदमी लोग पहुंचे हुए हैं यही केवल एक एक दृश्य होते दस दृश्य का नहीं एक स्पॉट चुन लें और एक दृश्य लगाए और इसको खबर पसंद के लिए हमेशा उसको ध्यान देते रहे ये हमारे पुष्टि का है जो हासिल बाबू ने जो किया है उसको हम सफल मान लें। हम आदर्श स्कूल में रखते हैं दरगाह नदी है वहाँ हमें दो पीपल पेड़ लगा है पीपल का पेड़ और बर का पेड़ वो जल्दी लगता है और पीपल लगाइए फल लगेगा तो चौका खा जाए करेगा फिर पीपल और बर बहुत जल्दी लगता है। हमने दो पीपल पेड़ लगाए थे जब मॉर्निंग वॉक लोग जाते हैं एक पुत्र पानी लगाते हैं इसमें डाल देते हैं आज पीपल का पेड़ होता है फिर के साथ फिर सब एक बार हम लोग घूमने गए तो देखते हैं किसे भैंस भैंस को काटने लगा तो काटने सवार हो गया वो हमने तो बहुत काटा ला कर पूरे पेड़ उठा कैसे दुखाएगा उसको बांधने में जब कुछ इस पर ध्यान दो बस पेपर पर तुम्हारे साथ फायदा है काम करेगा क्या भी चला गया बैठ सकता है तो कुछ समझदार लोग समझ गया और समझने के बाद उसको बोला अपना ठीक ठीक करते हैं साहब तो ऐसा ही करेंगे। तो आज पेड़ जो है वो ऊपर की हो रहा है जितने हम लोग पहुँचे हुए हैं जगह तो उतना है नहीं इतनी पॉपुलेशन बंद पड़ गई है कि लोग जंगल काट कर पेड़ पौधे का अपार्टमेंट बना बना कर लोग वह सफर बनाए काम किए उसका नतीजा हुआ कि आज हमारे प्रकृति उस तरह से हम लोग जवाब दे रही है उसी तरह से अपना बदला ले रही है अगर तुम काटो पेड़ हम खुद कर नहीं करें तो कुछ कर नहीं सकते लेकिन हमारे अधिकार में जो है हमारा जो काम है तुम करें आज उसी का नतीजा है कट्टे बजे प्रकृति बढ़ते जा रहा है। अभी जिस समय हम लोग थे 42 चौथी ग्रीट टेम्पेचर होता था तो हम लोग कहते थे वहाँ चौथी ग्रीट टेम्पेचर हो गए आज वो 44 पार करने जा रहा है अगले साल 23 और ज्यादा पार कर गए। जब तक हम लोग प्रकृति के साथ इसके अलावा प्रकृति आपदा आती है तब गवर्नमेंट को ध्यान आया कि आपदा विभाग बना दें अरे बनाने से काम चलेगा अरे आप जो हम जब कहते हैं कि इसको खाने से बीमारी होता है उस पर सिगरेट क्यों नहीं कर ले जिसका कारण तो पकड़ रहे हो आकाश खुल रहे हो आपका विभाग बना दिए कि तू मर गया हो गया पैसा देने खत्म हो गया लेकिन जड़ आखिर कहाँ से किस कारण से हो रहा है उसको तो पहले पकड़ो। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं इसमें पुलिस छोड़ दें उनके कब्जे में है पेशों के कब्जे में रहते हैं जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनको कहें कि अपने घर की जगह के जमीन का नहीं है पेड़ लगाने के लिए कहीं ऑफिस में लगाओ उसको अपना नामकरण कर दो कि पेड़ फलना ने लगाया है तब उन लोग शीशा लिखे इससे हमारा प्रण बढ़ेगा। विद्यार्थी लोगों को टास्क दे दिया जाए विद्यार्थी लोग बच्चे विद्यार्थी जो होते हैं हमारे आने वाले जनरेशन का एक विधाता है एक उपकाशकर्ता है इन्हीं पर पूरा दृष्टि की हुई है। यंग जनरेशन में या सीनियर सिटीजन जो लोग हुए केवल एडवाइस दे सकते हैं कर नहीं सकते और इंडिया में खास करके भाषण देने वाले सुझाव देने वाले प्रत्येक आदमी रहेंगे ऐसा करना चाहिए लेकिन जब उनको करने की नौबत किया जाए जब आप आकर बताइए पीछे हट जाए ऐसा थोड़ी होता है। आज मैं सुनता हूँ दिमाग में बात आई मैं इसके लिए हम पर्यावरण नाम पर क्लास करें कोई पाँच ही आदमी है दस ही आदमी है लेकिन जितने आदमी आए हैं वही आज संकल्प ले जहाँ हमको जगह मिलेगा जहाँ हमारा घर बगल में जगह मिले रोड किनारे जगह मिले। आज हमारे प्रवक्ता बोले कि पेड़ काट कर रोड ना दिया गया मजूरी था अब अगर साधु मजूरी है उसको 20 लाख रोड कट गए लेकिन उसकी जिम्मेवारी है कि बगल उसको पेड़ भी लगा दें। आज इन तरफ जाएंगे देखेंगे लोग एक विभाग बना हुआ है वन विभाग वो जहाँ तक पेड़ लगाए उसकी जिम्मेवारी नहीं है
बीमारी पहले हर एक आदमी की है, मेंटलिटी चेंज करेगी। यहाँ पेड़ को रक्षा करना है, पेड़ को बचाना है, तब बच सकता है। एक चौकदार मालिक कर दिया, जाओ पैंट डाउन करो, असल में जैसे उसको काटो, इतना बचा बचा है, कुछ आदमी है। इसलिए जब तक हम लोग अपनी मेंटलिटी नहीं बदलेगा, विद्यार्थियों की मेंटलिटी नहीं बदलेगा, सरकारी कर्मचारियों की सभी जब इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो कितने भी योजनाएँ बनेंगे, कितनों भी आपका विभाग बनाया जाएगा, वो सब सफल हो जाएगा, आपको इसमें सफल नहीं हो पाएंगे। तो मैं इस मंच से आप लोग यही कहना चाहता हूँ कि सबसे पहले फर्क बताने के लिए हर एक आदमी को अपने अगर दूसरे आदमी को कन्विंस करें कि भाई पेड़ को लगाइए, पेड़ लगाने से ये फायदा हो, अब फायदा सब जानता है। ऐसे नहीं कि लोग पेड़ लगाने से क्या फायदा है, क्या घाटा है, कुछ जानकारी नहीं है, तो जानकारी लोग है, लेकिन फिर भी जानबूझकर लोग पेड़ पौधे काटते हैं। अब हमारे बगल में पीपल आती का शीशम पेड़ बहुत बड़ा हो गया है, काटने के लिए प्रयास किया गया, भाई काटी किसी घर द्वार गिरेगा, डैमेज करेगा, प्रशासन पहुंच गया। अभी ना पूछे क्यों काट दिए, उसको कहा गया कि भाई आपके घर पेड़ लग गया, बड़ा पेड़ हो गया है, अगल बगल में कहीं किसी के ऊपर क्षति होगी, जान मान का खतरा है, वो काट रहा है, परिसर कहे नहीं लिए, ठीक है परिसर ले जाते हैं, वो डासा पर जाकर मेरे पास चले गए डायरेक्ट, बोले कि सर आपकी इंक्वायरी भेज दिया जाए, पेड़ क्या स्थिति है, इतना बड़ा विशाल पेड़ तो घर घुस गया है, घर नहीं बनाया तो विशाल हो गया है, वो किसी की क्षति हो जाएगा, क्या किया जाए उसके लिए, या तो आदेश दीजिए या तो वन विभाग बोलिए काट ले जाए। कौन गया था, बोले हमारे चार थाना के थे वही गए हुए थे, ठीक है हम जाइए, वहाँ चले गए, कह दिए हाँ सर ठीक है आते जरूर देखिए बड़ा हुआ कोई इलेक्शन नहीं। तो जहाँ आप सुझाव दे दीजिए, बड़े बड़े किसी ऑफिस में जाइए, कोई नर्स सब नहीं पढ़ा, वो लोग डिस्टर्ब होना सब नहीं होता है, सर ऐसा होना चाहिए, हाँ एकदम हो जाना चाहिए, आप ऑफिस बाहर निकले सर बहुत इतना आता जाता करते रहता है, इस तरह से होती है। जब तक हम लोग अपना मेंटलिटी नहीं बदलेगा, खास करके नियम लोगों को, तब तक हम लोग कुछ नहीं कर सकते, भाषण देते रहेंगे, योजना बनाते रहेंगे, परियोजना करते रहेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन कोई सुधार होना नहीं है, हमारा दूसरा निराश नहीं है, कितना साहब पानी पी के दिन पुराना हो गया, ये लोग नहीं चाहते। आज हमारे संजय बाबू आज बोल रहे हैं कभी बड़ा बड़ा शोक पर चादर लग गया, लेकिन है प्लानिंग में है तो है प्लानिंग है पता चलेगा ऐसा, इस तरह से करने से हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते, भाषण देंगे, चाय पियेंगे, खाना पियेंगे, चलेंगे चलेंगे, फिर ये काम तो करा दी हो गया, करना ऐसा नहीं करेंगे उनके साथियों, अपना मेंटलिटी चेंज करें, मेंटलिटी चेंज करें तब आगे आप बढ़ सकते हैं, बिना मेंटलिटी का कुछ नहीं कर सकते हैं, चिल्लाते रहेगा, हल्ला करते रहेगा, गवर्नमेंट योजना पर योजना किया तो बनाते रहेगा, सब कुछ करते रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इस सब कहूँ तो मैं आपको अपना पानी विराम देता हूँ, जय अर्जन।